बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 का नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले डिस्कस कर लें। तो चैप्टर नंबर 12 में अगर रिकॉल करें हम कैपेसिटर, तो कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। चार्ज स्टोरेशन के साथ साथ ये एनर्जी भी स्टोर करता है, और एनर्जी स्टोर करता है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। उसके लिए हमने इक्वेशंस डिराइव की थी कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वेयर्ड, और फिर एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन हमने जो है वो फाइंड की थी 1/2 ई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। अब इसमें एनर्जी डेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वेयर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के। सो कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली हमने एक डिवाइस जो सोलिनाइड भी कहलाती है, या जिसे हम सादा लफ्जों में इंडक्टर का नाम भी देते हैं, इस इंडक्टर के अंदर जब करंट पास करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकती है। सो हम कहेंगे कि इंडक्टर इज ऑल्सो एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, बट इट स्टोर्स एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब होता क्या है कि इंडक्टर चूंकि सोर्स ऑफ बैक ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो एक वोल्टेज वी है जो अप्लाइड वोल्टेज है। जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो एक करंट जो इस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, लेट्स से ये फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होगा जिसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड करंट होगी, और ऑटोमेटिकली इस बैटरी को करना पड़ेगा वर्क। इस बैटरी को करना पड़ेगा वर्क किस के अगेंस्ट करना पड़ेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट करना पड़ेगा। किसको मूव करने के लिए, चार्ज को मूव करने के लिए। सो जब ये बैटरी ईएमएफ प्रोवाइड करेगी तो एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, सो उस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा बैटरी को, और वो वर्क है कि यू हैव टू मूव चार्ज अगेंस्ट द बैक ईएमएफ ईएल। अब इस इक्वेशन से आगे जाने से पहले कुछ फॉर्मूलाज आपने यहां पर रिकॉल कर लेने। हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था एक फॉर्मूला एन फाई इज इक्वल टू एल आई, फिर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का चैप्टर 14 में फॉर्मूला पढ़ा था फाई इज इक्वल टू बी ए। चैप्टर 14 में ही हमने इंडक्टर या सोलिनाइड की इक्वेशन पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड की, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और ये जो एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है एन ओवर एल। सिमिलरली सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला ई एल इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी। ये सारी इक्वेशंस आगे फर्दर डेरिवेशन में यूज होंगी, तो इसको लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले वर्क इज इक्वल टू, अब ई एल की इक्वेशन एल डेल आई बाय डेल टी, ये हमने लिख दिया ई एल की जगह पर, और साथ डेल क्यू। इस इक्वेशन का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि वोल्टेज आपने पढ़ा हुआ है बराबर होता है वर्क बाय चार्ज या वर्क पर यूनिट चार्ज, तो यहीं से हम सिंपली कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्यू वी। तो वी की जगह पे ईएमएफ है, क्यू की जगह पे डेल क्यू है, तो ये इक्वल्स टू वर्क आ रहा है, यानी डायमेंशनली ये करेक्ट इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एल डेल आई एंड डेल क्यू बाय टी, यानी इस डेल टी को आपने क्यू के नीचे लिख देना। अब हमने दो चेंजिंग्स करनी है। देखें, सबसे पहले चूंकि करंट जीरो से मैक्सिमम तक ग्रो किया है, सो वी विल टेक एवरेज करंट, एवरेज करंट विच इज डेल क्यू बाय डेल टी। अब एवरेज करंट क्या है, इनिशियली करंट था जीरो, फिर फाइनली ये हो गया आई, तो इसको हम एवरेज लेंगे, टू पे डिवाइड करेंगे, सो एवरेज करंट हमारे पास आ गया 1/2 I। सेकंड केस, वी विल टेक चेंज इन करंट, चेंज इन करंट यानी डेल I, तो फाइनल करंट I, इनिशियल करंट जीरो, आंसर कम्स आउट टू बी I। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों चीजें डेल क्यू बाय डेल टी और डेल आई की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में, लेट्स से इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे लेते हैं, इसको इक्वेशन टू का नाम देते हैं, तो टू इक्वेशन में हमने ये कंसर्निंग वैल्यूज पुट करनी है। सो वर्क
विल बी रिटन एज एल डेल आई की जगह पर आई और डेल क्यू बाय डेल टी की जगह पर एवरेज करंट है 1/2 I. सो इन शॉर्ट वी गॉट अ फॉर्मूला 1/2 L I² ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड इट इज़ यूज्ड इन सर्टन न्यूमेरिकल एनालिसिस. तो यहाँ तक तो इक्वेशन हमने डिराइव कर ली, जैसे कैपेसिटर में डिराइव की थी 1/2 CV², लेकिन इस इक्वेशन से ये पता नहीं चल रहा कि एनर्जी किस जगह पर स्टोर हो रही. तो उसके लिए अब हम इसी इक्वेशन को जो है वो ओपन करेंगे. देखें वर्क या अब इसे यू से यानी एनर्जी से डिनोट कर लें, 1/2 L I² कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3. अब स्टूडेंट्स इसमें हमने L को अलग से सॉल्व कर लेना है, I को अलग से सॉल्व कर लेना. L को सॉल्व कैसे करना है, आपने वही इक्वेशन पिक करनी है N φ = LI, वेर L = N φ/I. L = N φ की जगह पर BA/I, फिर N B की जगह पर μ0 NI सॉलिनॉइड इक्वेशन / I. तब देखें I ने I से क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है. L = N μ0 NA, L = N μ0, इस N ये जो कैपिटल N है लेट्स से कैपिटल N की जगह पर हम लिख देते हैं NL. यहाँ से ये जो N ओवर L है यहाँ से कैपिटल N को लिख सकते हैं NL. तो देखिए N की जगह पे NL साथ μ0 फिर N फिर A, तो L की इक्वेशन बन जाएगी μ0 N² AL. स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने डिराइव कर लिया सेल्फ इंडक्टेंस, और इसकी डिपेंडेंस भी आपने देखी है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है और इसी तरह एरिया ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है. दूसरी तरफ आई हमने फाइंड करना है, तो इक्वेशन लिखते हैं B = μ0 NI, और यहाँ से आई की इक्वेशन बना लेते हैं B/μ0 N. डन. तो ये हमारे पास आ गई करंट इक्वेशन. अब हम फाइनली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम L की जगह पे L की वैल्यू और I की जगह पे I की वैल्यू पुट करते हैं. तो देखें U = 1/2 μ0 N² AL, और इसके साथ अब हम मल्टीप्लाई करते हैं I की वैल्यू जो कि हो जाएगी B/μ0 N². तो U = 1/2 μ0 N² AL * B² / μ0 N². अब क्या कैंसिल हो रहा है, एन स्केयर से एक एन स्केयर कैंसिल हो रहा है, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल हो रहा है. इक्वेशन बच रही है U = 1/2 B² / μ0 A L. अब ये है एनर्जी की इक्वेशन, इसे कह लें इक्वेशन नंबर 4. अगर हम इस AL का प्रोडक्ट होता है वॉल्यूम, तो अगर हम दोनों तरफ AL से डिवाइड कर दें 1/2 B² / μ0 AL / AL, तो स्टूडेंट्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये कहलाएगा एनर्जी डेंसिटी, इसे हम सिंपल UM से डिनोट कर सकते हैं, और फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 1/2 B² / μ0. तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का. लेकिन जैसे यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक. ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 में से तकरीबन 10 बार बोर्ड एग्जाम्स में पिछले 10 सालों में आ चुका है. ये इतनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इस टॉपिक को गौर से समझें, इसकी डेरिवेशन को बार बार रिकॉल करें. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे. अल्लाह.